ये तमन्ना नहीं के मर जाएं, आप भी कुछ हजूर कर जाएं। आप भी तो यही कहा करते थे, इस्तीफा दें और घर जाएं। तारीख है दोहराई जा रही और अब आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं सर। अच्छा, वाल लंबे रखी जाते हैं, भाभी नु मखालता लग गया। इन्हों नु उठा के कह रहे नौकरानी समय के उठ, सफाई नहीं करनी। ना ही इन्हों नु आके कहिंदा भाजी पिछले पैसे नहीं देने, ना दो ते कटाओ। बड़े जहीन आदमी ने। अच्छा। इमरान खान साहब नु जाके कह रहे अगर नून लीग ज्वाइन करनी तो मियां साहब ना गल करा। 14 अगस्त नु थाने जाके कहंदे सारे मुलजम आजाद कर दियो। मीडिया बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं कसूर से, जनाब साद वसीम शेख। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान बहुत दूर से तशरीफ लाई हुई हैं, मॉडल हैं, कैलिफोर्निया से ताल्लुक और डेंटिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों ही कुछ पढ़ी सी हुई हैं उन्होंने, मोहतरमा रोशन आफरीदी। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े प्यारे क्यूट से हैं सर। हाय हाय, सही है। और शेर भी मैं बिल्कुल क्यूट फ्रेश लाया हूँ सर। हाय हाय इरशाद। PMLN के MNA साद वसीम आए हैं, बैन अल-अक़वामी मॉडल के संग ये बैठे हैं, कैलिफोर्निया से चलकर आपसे ये मिलने आती हैं, रखकर दिल पे हाथ बताएं क्या ये सोच रहे? जग तो जेड़ा डर जांदा है, जीवन जग तो जेड़ा डर जांदा है, जीवन बाजी हर जांदा है, मुंह चो निकलिया बोल नहीं भरदा, चलिया जख्म ते हौली हौली भर जांदा है। दो साल हुकूमत रह गई है, इतना तो जर ले। अगर वो डराना चाहते हैं तो थोड़ा सा डर ले। जब तक नून लीग की हुकूमत नहीं आती साद भाई, उतनी देर कसूर फिश का ही काम कर ले। जी साथ, कैसा लगा आपको आइडिया? आइडिया तो ठीक है, अगर इन जैसी मछलियां हो तो कैप्चर करने में ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा मजा आएगा, यानी कि आपको ऐसी अट्रैक्टिव फिशेस। अट्रैक्टिव फिशेस, अच्छा तो मछलियों का शौक है वैसे आपको? खाने की हद। देखिए सर, चिड़ियाघर जाके कह रहे मछलियां का पिंजरा किथे है यार। और रोशाने, क्या हाल है आपके? I'm good, alhamdulillah. आप कैसे हैं? उर्दू आता है? उर्दू आता है, हमें उर्दू फुल। उर्दू फुल आता है, पंजाबी तो नहीं आता होगा? पंजाबी तो आंदी है वैसे भी। साड़ी इज्जत रहेगी, तुसी फंस गए। कैलिफोर्निया में भी उर्दू और पंजाबी का सिग्नल आता है? बस आती है मुझे थोड़ी सी। आती है आपको थोड़ी थोड़ी? मैं बोल सकती हूँ। वैसे एक बात बताएं, ये कलर कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने पहले डिसाइड किया था? बस देख लें आप। कोइंसिडेंस? ये कोइंसिडेंस आपके साथ होता है अक्सर? आज ही आज पहली दफा जिंदगी में हुआ जी। तो आपको कैसा लग रहा है? आपने बताया तो मैं गौर करूंगा। नहीं, मैंने तो बता दिया, महसूस कैसा हो रहा है? कभी एंजॉय है वो चिट्टा सूट तुसी पाया, कोई नया वाले ने भी चिट्टा सूट पाया? ऐसा कोइंसिडेंस होया भी नहीं थे, होवे भी ना। यानी कि ये हल्का हल्का दिल में खटका सा लगा रहता है जब कसूर से गाड़ी में आ रहे होते हैं कि कोई जालिम सामने आके रोक ना ले? मेरा नहीं ख्याल, कोई ऐसी बात है ही नहीं। नहीं नहीं, मगर अगर वैसे कभी आया ख्याल दिल में? मेरा ख्याल है वो बात को मैंने टर्न अराउंड करने के लिए कहा था, कोइंसिडेंस, दिस कोइंसिडेंस इज मच बेटर। दिस कोइंसिडेंस इज मच बेटर, सो यू लाइक दिस कोइंसिडेंस? आई डोंट से, बट आई थिंक इट्स गुड। इट्स गुड, यानी कि पसंद आ रहा है ना हल्का? एज कंपेयर टू नैप। एज कंपेयर टू नैप, तो नैप कोइंसिडेंस, यस। जाहिर बात है, मगर वैसे सोचा अगर ये नैप में होती तो कैसा होता? फिर क्या कहते हो? नैप फिर भी दुआ करता हूं कि ये कोइंसिडेंस ना होता। अच्छा, यानी कि वो जो भी हो नैप में हो। वैसे आपको पता है नैप वाली बात? नहीं, मुझे नहीं पता। इट्स अ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ओके, ठीक है, ठीक है। तो एंड यू नो दैट ही इज अ पॉलिटिशियन? यस, आई डू नो दैट। यू डू नो दैट, सो यू कैन इमेजिन दैट यू नो व्हाई दे काइंड ऑफ डोंट वर्क टुगेदर। राइट, आई अंडरस्टैंड दैट। या
समझ आ गई आपको? थोड़ी सी आ गई है। थोड़ी सी आ गई है। तो आपको कैसा लग रहा है वैसे ये कोइंसिडेंस? सही है, अच्छा हमारे पास स्टाइल है ना, ब्लैक ब्लैक एंड ब्लैक ऑलवेज, ब्लैक ब्लैक ऑलवेज। मगर ये वैसे आपने बड़ा जबरदस्त फैशन किया, ये जैकेट जो आपने पहनी हुई है तकरीबन ये आप कियानू रीव्स लग रही हैं। थैंक यू, ये मेरा स्टाइल था मैट्रिक्स वाला, मैं सोचे मैं आऊं ना तो। अच्छा आपने मैट्रिक्स देखी हुई है? नहीं मैंने। सर ये कौन सी मेडिसिन का नाम है? अरे मेडिसिन नहीं है, एक मूवी है बहुत मशहूर। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका नाम है मैट्रिक्स के अंदर जो हीरो है कियानू रीव्स, वो ऐसे एक बड़ा जबरदस्त ओवरकोट पहनता है और बड़ा वो मशहूर भी हुआ था। आपने देखी नहीं मैट्रिक्स? नहीं मैंने मूवी नहीं देखी। आपने क्या देखा हुआ है? वैसे मुझे शौक भी नहीं मूवीज का। आपको मूवीज का शौक ही नहीं है? इतनी यंग एज का आदमी किस चीज का शौक है? मैं बस अपनी पॉलिटिकल फील्ड में ज्यादा खुश। अरे यार पहले पॉलिटिकल फील्ड में आने से पहले क्या करते थे? इन्होंने पंजाबी फिल्म देखी सर, बड़ा बाहर छोटा अंदर। मैं उम्मीद करना कि उन बारी ताड़ी है। मगर ये बस बताइए आप क्या करते थे? जैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टडीज के बाद पॉलिटिक्स ही साथ, बीच में कुछ तो होगा यार, एक यंग आदमी कोई। अच्छा हॉबी बताएं मुझे अपनी सच्ची सच्ची। आई लव टू प्ले टेनिस। देखे ना निकला टेनिस यानी बट वो एक डेढ़ घंटे की गेम है, नथिंग एल्स। मगर मूवीज वगैरह का मुझे कोई मौसीकी किताब फिल्म ड्रामा कुछ भी नहीं? क्या घर वालों ने मना किया? नहीं नहीं वैसे शौक ही नहीं, शौक ही नहीं है कभी कोई। मैं अपने पॉलिटिकल फील्ड में आई एम मोर हैप्पी। अरे यार पॉलिटिकल एक तो ये प्लीज ना किया करें, एक यंग से आदमी आप पॉलिटिकल फील्ड में तो अभी आए, उससे पहले तो आप एक स्टूडेंट ही थे ना। नहीं मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मेरी जिम्मेदारी लगाई है बिल्कुल मैं ऑनेस्टली उसे फॉलो करूं और बिल्कुल आप जरूर करें, मैं आपको मना भी नहीं कर रहा। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे है, जब आपके वालिद साहब थे सियासत में, आप थे कॉलेज में और आप कॉलेज के अंदर एक लड़के थे, ठीक है, तो उस जमाने में जो लड़के करते हैं पढ़ाई के अलावा भी वो सब कुछ आप भी करते होंगे? बेसिकली सर 2008 में मेरे वालिद पहली दफा MLA बने, तो उसके बाद 2011 से मैं उनके साथ पॉलिटिकली असिस्ट कर रहा। ठीक है। तो जब मैं उनके साथ असिस्ट कर रहा था तो मेरा ख्याल है आई लेट माय हॉबीज गो अवे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको फवाद खान का पता है? देखा हुआ है। देखा हुआ है। मायरा खान का पता है? महविशयात का पता है? महविशयात का नहीं पता। और किसका आपको? सबा कमर का पता है? हुमायूं सईद का पता है? कुछ कुछ पता है। बेसिकली बात यह है कि अगर मैं ड्रामा नहीं देखता तो मेरे फैमिली में तो लोग देखते हैं। यही तो मेरा पॉइंट था, कभी गुजरते पिड़ते कोई नजर तो पड़ती होगी। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक इंसान की पर्सनल लाइकिंग भी होती है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग यू नो आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट माय वे, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा। मैं बाकी ड्रामा कोई घर लगा हो कोई देख रहा हो तो मैं साथ बैठ के 5-10 मिनट देखते हैं, बट नॉट क्लीनली। जैसे आप कहते हैं ना इंटरेस्ट या लाइकिंग, दैट इज नॉट वो नहीं है आपकी। हाँ। आपकी तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट और लाइकिंग होगी नहीं यहाँ वाली में, खास तौर पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में बताएं, खुश हैं अब आप? गरीब का बच्चा आप लोगों ने वापस भिजवा दिया फौरन का। तो अब आप लोगों को ठंड पहुंच गई है, वो तो अंग्रेजी कह रहे ने मुझे क्यों निकाला। वो जो वहां पे हो रहा है वैसे ये आपके तो जानने वाले हैं, किसी इनका भी वही कहना है अमेरिका के अंदर मुझे क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला ये तो सबको पता है। उनका भी सबको पता चल गया। अब वो के बारे में ये बेहतर बता सकते हैं। वैसे आर यू हैप्पी विद द न्यू प्रेसिडेंट? आई एम हैप्पी विद द न्यू प्रेसिडेंट। यू हैप्पी विद द न्यू प्रेसिडेंट? पिछले वाले के बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक क्योंकि बहुत सारे देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरलाइंग इश्यूज that are not spoken about. Were you happy with the Trump era? The thing is that during the Trump era, there was a lot of racism and a lot of anti-Muslim, you know, propagandas. But at the same time, he did support the government, as in he did support the local people. अब तो ठीक है ना माशाल्लाह। आपको असद की सारी बातें समझ आ रही हैं? थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। नहीं अगर आप इंग्लिश में चाहती हैं तो नो प्रॉब्लम। नहीं आप पंजाबी। वैसे आप इंग्लिश में जोगत कर सकते हैं? या ऑफ कोर्स। प्लीज जरा करिएगा एक इंग्लिश में जोगत। प्लीज हेल्प मी। वैसे क्या लगता है अब क्या होगा? अबाउट वही होगा जो पॉलिटिक्स के बताएं, बाकी तो आपने बता दिया। आपको कुछ मैं, हमारी तो जदोजहद जो है वो ये है कि इमरान खान मस्ट रिजाइन और फ्रेश मैंडेट के साथ आना चाहिए। फ्रेश मैंडेट के साथ अगर वही दोबारा आ जाए तो फिर पीपल विल डिसाइड। नहीं नहीं अगर हो गया तो फिर तो नहीं आप लोग खप डालेंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ खान साहब से ही मसला है या पूरी पीटीआई से है? पूरी पीटीआई से एज ए गवर्नमेंट ही वो गवर्नमेंट ही पूरी की, यानी कि पूरी पार्टी चली जाए, डिसॉल्व कर दें असेंबली, दोबारा इलेक्शन करा लें। बेहतरीन मौसम है कोरोना का, आगे गर्मियां भी आ रही हैं, तो बेहतरीन पसीने और कोरोना का एक मिलाप होगा। कम से कम ये जो गवर्नमेंट कोरोना की सूरत में हमें जबड़ी हुई है, हाँ। तो ये इट्स मोर डेंजरस देन कोरोना। कैसे वैसे साथ, आप तो एक पढ़े लिखे आदमी है, यंग आदमी, ये कैसे बात कर लेते हैं आप लोग? हर चीज है कि कोई भी गवर्नमेंट है वो उसके मैनिफेस्टो में है कि वो लोगों के लिए बेसिकली क्या लेकर आ, what they want to give and what they want to deliver to people of Pakistan to bring them up, ठीक है?
उस पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए आप जितने भी उनके समझ ले के बेसिक पॉइंट्स हैं ना एजेंडा के, दे ऑल आर फेल्ड। ठीक है, आप इन्फ्लेशन ले लें, डिलीवरेंस ले लें, गवर्नेंस ले लें, बिजनेस एक्टिविटी ले लें, कोई भी कम से कम इस गवर्नमेंट में, मेरा नहीं ख्याल, आप किसी भी कॉमन मैन ले मैन से पूछ लें, थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग। ठीक है, जहाँ पहले थी उससे भी डिटेरियोरेट हो गई। तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हर वक्त अवाम में रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट द पीपल आर नॉट हैप्पी। ये पब्लिक ओपिनियन है, सही बात है, कि कम से कम इस गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे अगर उनमें से 50% भी पूरे कर देते ना तो पीपल माइट बी हैप्पी। माय पॉइंट इज दैट आई एग्री विद एवरीथिंग यू से, लेट्स सपोज, बट एंड इट्स रियलिटी बेसिकली। मगर टाइम डिमांड का दुनिया के अंदर एक पेंडेमिक है जो कि आज से पहले कभी ना आया पिछले 70-80 सालों में, और इस चीज़ के हिसाब से आप अपने आप को भी तो इवॉल्व करें। अगर वही नारा जो 2.5 साल पहले कोई और मारता था और वही आप लोग मार रहे हैं, देन यू गाइस आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड। वी आर बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग, लाइक जो भी मामला है, लेट्स से मैं इस शो में आया, तब कोविड की वजह से अरेंजमेंट्स वैसे हो गए हैं ना, SOPs को पाबंदी हो रही है ना, तो लाइक वाइज अगर आप 70-80% लोगों की कंसेंट लें तो कम अज कम जो उनकी सिचुएशन है दैट इज मोर वर्स, इट इज वर्स देन गेटिंग किल्ड बाय कोरोना। Yeah, I believe. वैसे मुझे एक बात बताएं रोशाने, आप you know you have done modeling over there in the west as well and now you're doing modeling over here. जी. And I'm sure आपको बहुत से ऐसे messages आते होंगे लोगों के on your social media accounts कि जी क्या करना चाहिए, हम मॉडल बनना चाहते हैं। जी जी. So what do you think, क्या चाहिए होता है मॉडलिंग के लिए? For modeling you have to have persistency first of all. Persistence. जी बिल्कुल, क्योंकि there's a lot of no's on the way. A lot of people are going to tell you no, कि आप में ये खराबी है, ये this is not enough, ये नहीं, but it doesn't matter. आप फिर भी करो, if you're passionate about it then keep pursuing it no matter what. क्योंकि a lot of the times we have a lot of जैसे आपका नाक like pointy होना चाहिए, like a lot of western beauty standards ना, but I think you have to keep going and you have to show के हमारे में भी, you know, in our culture there's a lot of beauty as well, so we're not represented worldwide as much as western beauties are. नाक क्या पतला होना चाहिए, फिर नहीं कुड़ी फिर जिंदगी की मॉडलिंग नहीं कर सकती। देखो वो बता रही है क्या हो गया, आपका नाक ऐसे हो जैसे हो, इट डजंट मैटर, देयर इज इट्स ब्यूटीफुल, तो मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, आओ श्रीको। मैं सही बात कह रही हूँ, क्यों नहीं, किसने बोला नहीं कर सकते, देयर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग ना, देयर्स लाइफस्टाइल मॉडलिंग, देयर्स ग्लैमर, देयर्स फैशन, तो ऑफ कोर्स इनके लिए कौन सी सूटेबल रहेगी? ये तो फैशन में स्ट्रेट जाएंगे मुझे लगता है। फैशन मॉडलिंग, हाँ जी फैशन, आप कह तो कुर्ता पर टाइल आई था जा रहा था डा शेर जट। करप्शन करने वाले कम ना होंगे अगर सादिक अमी हाकिम ना होंगे, सियासी दखल हो जाए खत्म तो अदारे कैसे मुस्तकिम ना होंगे, अगर कानून की हो बालादस्ती जराइम कायम होदायम ना होंगे, सच्ची गल Welcome back to Muzakrat. रुशाने ये बताएं। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था कि जैसे आप अमेरिका में रहती हैं, तो शादी अमेरिका करेंगी या पाकिस्तान में? जहाँ भी अच्छा लड़का मिले। वो तो फिर कसूर दा ही होंदे ने मुंडे चंगे। लेकिन वो सियासत च पै गए ने हुण क्यों? क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गए, उन्होंने अवाम दी पई है, तो कैसा वैसे अच्छा लड़का कैसा होना चाहिए? अच्छा लड़का, आई डोंट नो, एजुकेटेड, good with the family. थोड़ा सा ऊंचे बोलो कि मेरे सामने बैठा क्या कह रही? कोई educated हो जो, you know, is a family person. Yeah. And likes animals. Who likes animals? Yes. Animals की मैं हूँ हाथी तो बचा लगता फिर आंगन में। नहीं, जिनको जानवर पसंद हो। जानवर पसंद है तो नाल भाई ने ना भाई। खास एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स, आई थिंक जी बिल्लियां, बिल्लियां पसंद हो उनको? बिल्लियां दे मेरे को इनिया में दाम, बिल्लियां दे यकीन कर लो, मैंने दरख्त ते चढ़ना बिल्लियां ने सिखाया ताड़ी दाल नहीं गली जो मर्जी लगे रहो। चलो फिर अगली हुकूमत फिर पीटीआई दी। फाइनेंशियली भी थोड़ा बता दे, नहीं समवन फाइनेंशियली इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जस्ट यू नो, एंड गुड पर्सन, अ गुड पर्सन, वाज अ फैमिली पर्सन एज़ वेल, वाज अ फैमिली हुज एजुकेटेड, जस्ट पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो तो प्यारा मेरे जैसा हो। जी बिल्कुल इनकी तरह। तो शादी करके आप इधर ही रहना चाहती हैं कि मुझे उधर ही ले जाएंगे? अभी पूछ लो, मुजाकरात में हो के ना हो, कॉमेडियन हो या नहीं? नहीं कॉमेडियन ना हो। यू नॉट फॉर सेंस ऑफ ह्यूमर? आई लव सेंस ऑफ ह्यूमर बट आई फील लाइक कि मुश्किल हो जाता है। क्या मुश्किल हो जाता है? लाइक व्हेन यू मीट समवन
that is working on their stuff, humor pe. It's a difficult job. बहुत मुश्किल होता है. नहीं तो वो तो उसका मसला है ना कि जो कर रहा हो. हाँ तो आपको कौन सा समझ आ रही है? You don't like the fact that if someone makes you laugh. No, I love that. So then, why would you say कि sense comedian ना हो? No, ऐसी बात नहीं. It's just like I feel like it's a lot of pressure. So that. यानी कि आप चाहती हैं कि वो ना हो comedian? I prefer someone not from the industry. Like you prefer not someone from the industry. Yeah, because I feel like it's a lot of pressure. तो क्या आप क्या engineer, doctor, नहीं इतना वो नहीं है. Just everyday normal insane. Everyday type क्या होता है? Everyday type, like it could be anything, but just very respectful, very kind, very easygoing. वो तो चले ingredients हो गए ना कि respectful, kind, और ये वो चीजें. I mean, features. जिसके साथ मैं like I can discuss, maybe medicine में it would be nice. Medicine में यानी कि आप medicine. So I can talk to that person. ये नहीं medicine भाई जड़ी जी. हाँ. जिन्हें हमने बुलाई है ना. कैसर भाई ओल्ड करो ताड़ी गाली हो रही है. मेडिसिन आप चाहती है कि उससे मेडिसिन से ताल्लुक हो तो क्या आप क्या दवाइयां डिस्कस करना चाहती हैं? व्हाई नॉट कभी कर सकते हैं. तो यानी कि फिर आप कहें कि डॉक्टर होना चाहिए. डॉक्टर होना चाहिए. डॉक्टर इज नॉट नेसेसरी जस्ट समवन दैट कंपाउंडर हो फार्मेसी हो उसको नहीं मतलब क्या करे वो कुड बी एनीथिंग जस्ट से लाइक यू हैव सर्टेन कॉमन इंटरेस्ट नॉट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सो दैट पर्सन यू इंटरेस्टेड इन मेडिसिन. Yes, I love medicine. I love talking about it. I like certain TV shows too, but it doesn't mean that. नहीं तो वो बेचारा अगर डॉक्टर भी होगा तो वो टीवी भी देखता ही होगा. हो सकता है वो भी डॉक्टर है उसका दिल हो वो देखता होगा नेटफ्लिक्स देखता हो टीवी देखता हो और चीजें देखता हो तो यू कैन हैव दैट डिस्कशन. सो You should narrow it down to a doctor. I should narrow it down already. Why not? But doctor? I like to keep my options open. Assi oni de tadi jaane chade jinne de tho tadi rukti na hoye ki. Dentistry padhi bhi hai. Ji maine thodi bahut padhi bhi hai. Thodi bahut padhi bhi aur psychology puri padhi hai wo bhi thodi bahut. Nahi wo bhi padhi hui hai maine dono padhi hain. Thodi thodi sariyan padh de pura kyun nahi padh de. To keh rahe thodi thodi kyun padh rahi hain aap? Nahi main sab padh rahi hu lekin ab main ye kar rahi hu na this is different. To वैसे आप इतना आपको शौक है medicine ki field ka to why don't you become a doctor? Because I wanted to do something different. I was more interested in modeling and in this field it's more entertaining. Aap married hai waise? Yes. Kya baat? Haan ji. Kab shaadi hui? Meri 24 February 2018. Aapke umar ke logon ki shaadiyan ho bhi jati hain. Kya age hai? Aap jitni hain. 28 and half. तो आपकी वाली एज है वही ना तो वो कभी कभी हो जाता है. पॉलिटिशियंस वैसे भी जल्दी कर लेते हैं मैंने गौर किया. क्यों पता नहीं है जी तो ये बताएंगे. अगर आपकी बात मान ले तो शेख रशीद साहब ने आज तक क्यों नहीं किया? Good of you. You know, last 3 days I can't sleep. Why? Oh, landlord ने जो कारे ने guest आए हो इने, वो 13-14 बच्चे ने वो जो मेरी जान ही खा गए. अच्छा? वो रोज उन्हें जो मोबाइल द कजी प्रोटेक्टर टूटा उन्हें, कजी पाउच गुआच गया, टैब उन्हें कुल फड़े उन्हें ने चुवी कहते, वो मैं हाल दूर जो चक्कर काट कर के नीम पागल हो गया. बट मैं सोचे कि मैं उठो जो लिया के ना नू लुआ लुआ के देना मैं प्रोटेक्टर ते पाउच कथे ठोक जो चोक के ते उठे मैं छोटी जी खोखी बना लवा. अच्छा ते मेरा रोज बरोज चल सकता है रोजगार. So I went to the Hall Road. Okay. वो थे एक बंदे ने मैं सातवें फ्लोर ते जा के मिले हैं. अच्छा. उन्हें क्या ऑल एसेसरी एठो तुसी चुको. ठीक है. तुसी वेज के ते अधे पैसे पहले देने ने. ठीक है. अधे बाद ही देने ने. Okay. कहना इफ यू गिव मी जस्ट 10,000 मैं तेनू एक शापर दे विच इन्ना के शापर हैगा ओदे विच कहंदा सारी एसेसरी आ जाएगी ओथे को निकल जा टेबल ला के बह जा जस्ट प्रैक्टिस के किवें मोबाइल दी स्क्रीन साफ करनी है ओथे प्रोटेक्टर लाना है. सो कुड यू प्लीज गिव मी 10,000 एंड वी विल रिच वेरी सून. वी विल रिच वेरी सून. यस आई डोंट हैव 10,000. कदी मैं तुहाडे कोल उम्मीद नहीं हुंदी बट आज मैं लगा तुसी पैसे दे नहीं लगे और रवायत चूरन लगे हो. ना जी ना माशाल्लाह ए भी वही पेंट निकली जिच कुछ नहीं हुंदा. वाह.
मूंगफली खादी वापस रख बिल्कुल हमारे मेहमानों से ट्राई कर लो एमएनए हमारे पास बच्चों के आई थिंक सो मैंने पहले भी इक्की जरिए देखी है हमारे पास दो दिन पहले आए सर बिल्कुल यस 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 सो कुड यू प्लीज हेल्प मी किस पार्टी ने ओ टांपा यस दैट वाज माय ग्रेट आइडिया इन्हों की चेहरे की खामोशी दसदी है कि इन्हों का तुअलक मेरे कायद नाल है माई कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब नौ मोहतरम मरियम नवाज मैं गया पिछे उन्होंने जेल से बट मैं उतो कोई आमदन नहीं हुई मैं अद्धा रस्ता पैदल आया अद्धा रस्ता मैं किसी को इंजन करके आया जलसे भज के गए बालों का बुरा हाल होया पे वोटां पा के ते मियां साहब नू बुलाओ मियां दे नाले वजने वजने जी दुबारा रंग सजने सजने जी वोटां पाओ कुछ पाओ वोटां पा के ते शहजादे नू रोज बुलाओ मेरी गुजारिश है सब ताड़ी सेहत दे लिहाज दा अपने आप नू प्रोटेक्टर लवा लिया देखो कितनी अच्छी गल की ये कुछ जहीन बंदा ही कर सकता बिल्कुल हाँ जी हाँ जी हाँ जी बट जे पूरे ना होए तो फिर देख लो अद्धे प्रोटेक्टर आने ने अद्धे आने नहीं 5000 रुपये दिते 5000 से की आंदा है अच्छा कुछ जी पुलिस उन्होंने कहो कि बाजी तुहाडे कोल कोई 150 नहीं है खुला उन्हां कोल नहीं है उत्थों दी करेंसी नहीं चलदी बाय द वे अमेरिका से आई है यस आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट माय मॉम शी बिलोंग टू वर्जीनिया एंड माय पापा फ्रॉम चीचा वतनी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਗਾੜੀ ਚੱਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜਾਗਣੀ ਜਾਗਦੇ नंबर बदल बदल के उतो घंटा घंटा सिर खांदे ने पता नहीं की कहना चाहते ने उन्होंने भी समझ नहीं आ रही जो कहते ने मैनू समझ नहीं आ रही खैर मैं चलो निकलते निकलते चौकी लेने टेलीफोन चुक लिया तो मेरे पुराने यार दा कौन जैक पैट्रिक डोर्से वो ट्वीट वाला ना नहीं जो सीईओ ट्विटर का सीईओ दैट इज माय गुड फ्रेंड ना करें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी इकट्ठे पढ़े हैं तब्दीली लाई नहीं तब्दीली आई नहीं कुछ होया ते है नहीं मैं क्या तुहाडे कारोबार दे की हालात ने कहंदा पाकिस्तान जिंदाबाद कहना पाकिस्तान के सियासी लीडर तो मैं ते डालर छाप रहे अच्छा कहंदे ने ऐसा ट्वीट करदे ने ओ दुनिया दे विच किले कोई जांदा होई जांदा मेरे डालर छपदे रहंदे मैं कह मसलन केड़ा ऐसा ट्वीट सी कहंदा बिलावल साहब ने कहा सी बारिश आती है तो पानी आता है ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है कहंदा इन्ना लोगों ने पसंद किया बड़े मैं पैसे छापे हले वो घट नहीं सी होया नवे कायदा आ गया बयान कौन सा भाई पाकिस्तान के पास 12 मौसम है ओ गर्मी सर्दी खिजा बहार यसु पंजू हार कबूतर डोली बड़े पैसे छापे अजकल कहंदा फ्रेश बयान आया सियालकोट वाले जलसे तो मोहतरमा मरियम नवाज साहब दा कि आपको पता है अंडे कितने रुपए किलो है कहंदा वो भी टॉप ते जा रहा है क्या बात है लेकिन मैं कह सर ये दसो पिछले कई साल तो पाकिस्तान दे विच नंबर वन केड़ा ट्वीट रहा कहंदे ने वही आज भी वही है कल भी वही था कौन सा मुझे क्यों निकाला
जी सर। अच्छा ते मैं क्या फिर कहना सोच रहे हैं भाई उसका कोई नेमल बदल नहीं मिल रहा। मुझे क्यों निकाला का नेमल बदल नहीं है? नहीं मिल रहा। कैसे मिलेगा? यही मैं पूछे मैं क्या कैसे मिलेगा? हाँ। कहते जब कोई बड़ा बंदा अब निकाला जाएगा हाँ। तो जब वो कहेगा अब मुझे क्यों निकाला फिर कहना टॉप ब्रांड हो जाएगा। अच्छा मैं तो कहना पाकिस्तान तो नोट छापी जा रहे हैं। मैं देखो सानू कोई नहीं फायदा ते तुहानू फायदा हो रहा ते कोई ट्वीट करना तो हूं मैं दसो मैं हूं जैक डोरसे खत लिखा था तेरा ट्विटर वजे। नहीं नहीं अभी रुक जा मैं अभी शो के दरमियान में हूं। माशाल्लाह ओ माशाल्लाह फिर अपना कसूर। हां मैं कहना क्या बात है 27 साल की उम्र दे विच इन्होंने एमएनए बनने की कोशिश की थी और कामयाब कोशिश की। अल्लाह ताला ने बनाया जी मेरा इस कोई अमल नहीं थे मेरे हलके दे عوام ने मैं उनका शुक्रगुजार। तो नाले तुम्हारा प्यार भी थे عوام ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਮਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨਕਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਔਰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਪੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਸੇ ਨਹੀਂ लोगों की मोहब्बत से बैठा हूँ। इस कुर्सी के लिए तो हमारे प्रोड्यूसर ने अब कॉल भी की थी। आपने बेशक मुझे कॉल किया इस कुर्सी के लिए बैठ कर आए थे। मगर इस कुर्सी पे जिस मुकाम की वजह से हूँ वो अल्लाह की जात के बाद मेरे हल्के के कोई शक नहीं लेकिन साड़ी भी मेहनत है दसो कहदे आजम लॉ कॉलेज विच उंगली फड़ के बस्ता चुके ते छड़न जांदा सा। अच्छा जी मैं रोज लेके गया रोज लेके आए। हां जी सर एक दिन बस्ते दे थल्ले आ गए साद भाई नरगोली साहब एक ज़हीन अफसर ने जी गवर्नमेंट ने इन्हों नू थाना दिता दे एक दिन बाद इन्हों नू कढ़ दिता क्यों कमरे ढा के बिलियर्ड क्लब बना लो उत्तर महल्ले दे बच्चों का ख्याल रखना पैंदा स्टिक दी तां लोड़ ही नहीं पई होनी आप जो मौजूद ने आपके पास यंग पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं जी। ए, सर एक फोटो हो जावे ताजा क्योंकि नैब वाले रोज मैं पुछते ने मेरी बार ही पुछते खैर नहीं पुछते लेकिन मैं अपने खिलाफ ट्वीट कर वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। ये बताइए एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, तीन लोग उसमें मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी कर्टसी में और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोमना मुस्तहसन, मिनाल खान और नूर जफर खान। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ ले रही हैं? मिनाल के साथ। स्माइल किसको दे रही हैं? मोमना के साथ मैं स्माइल करूंगी। स्माइल देंगी मोमना मुस्तहसन को और किसको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? नूर। नूर जफर खान आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ये बताइए मैडम गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? जी क्यों नहीं। तो गाड़ी आप ड्राइव कर रही हैं, अवार्ड शो पे जा रही हैं, इनमें से कौन वो लोग होंगे जो आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं मेविश हयात, मावरा हुसैन, हरीम फारूक, सज्जल अली और आयजा खान। चार सीटें हैं और खवातीन पांच हैं। मेविश हयात, सज्जल अली, आयजा, हरीम और मावरा के दरमियान मुकाबला है। हरीम को मेरी जानती, मावरा फिर मावरा को ले जाएंगी, हरीम फारूक को जगह नहीं मिल सकी। जानती नहीं ठीक है। आप ये बताइए मैडम के टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और साद वसीम। कैसर पिया सारे ही होंगे ना, इसीलिए सियासत च नहीं गए, टाइटैनिक डूबना ही है जाओ। बताएं फिर मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है दूसरी आपने किसी और को देनी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं HSY, सना सफीनाज, दीपक परवानी और नोमी अंसारी। नोमी अंसारी मेरे दोस्त हैं लेकिन सना सफीनाज क्योंकि उनके साथ मैंने शुरू किया था। सना सफीनाज आपको लाइफ जैकेट मिल गई है, HSY नोमी अंसारी और दीपक परवानी आप लोग लाइफ जैकेट से हाथ धो बैठे। ठीक है साथ साहब, सर चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, दो सीटें एक अपनी है दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, जिसको लेके जाएंगे वो चांद से वापस नहीं आएगा, आप वापस आ जाएंगे, कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब साहब। तलाल चौधरी। तलाल चौधरी फिर से एक बार चांद पर हमेशा की तरह, डूबती कश्ती में है, दो लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है दूसरी किसी और को देनी है, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब हमजा शहबाज, मोहतरमा मरियम नवाज और रोशाने। मरियम नवाज है। ले गई हैं। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। रुशाने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। सर आ जाएं फिर।